हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज़ गौरव पाठक एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन रोड मैप। दिस इज पार्ट टू ऑफ आवर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अब्रॉड में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंट्रीज़ को कैसे डिफ़ाइन करें, कौन सी कंट्रीज़ जो हैं आपके लिए बेहतर रहेंगी, इससे संबंधित काफ़ी बातें हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसको जाके आप एक बार को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन चार कंट्रीज़ की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन और चाइना, और इनकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा डिमांड में हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इन कंट्रीज़ में ज़्यादा बेहतर हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि MBBS डायरेक्ट उन कौन सी 7 यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड करती है सबसे ज़्यादा, जहाँ पर स्टूडेंट्स को ज़्यादा सुविधाएँ मिलती हैं, जहाँ अच्छी एजुकेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंट्री जो हम कवर करेंगे वो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान में जो USP है कि क्यों फेमस है कजाकिस्तान, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 5 ईयर का MBBS का कोर्स होता है वहाँ पर। दूसरा है कि सम यूनिवर्सिटीज आर हाईली रेटेड, जैसे कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है या अल फराबी यूनिवर्सिटी है या सेमी यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन है और काफ़ी कम बजट में यहाँ पर एजुकेशन होती है। लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कजाकिस्तान को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उनको क्वालिटी एजुकेशन कम कॉस्ट में मिल जाती है और उनका एक साल भी बचता है क्योंकि कोर्स जो है वो 5 ईयर का है, बाकी जगह 6 ईयर का कोर्स होता है। ईजी टू ट्रैवल, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लोकेशन है क्योंकि इंडिया से, दिल्ली से अगर आप देखते हैं या फिर आप मुंबई से देखें, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर ट्रैवल करते हैं तो उनको 3 घंटे की फ़्लाइट रहती है और वहाँ वो पहुँच जाते हैं अल्माटी सिटी में। अब अल्माटी सिटी जो उनका सबसे बड़ा शहर है कजाकिस्तान का, वहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके स्टूडेंट्स आगे जा सकते हैं, बट काफ़ी कन्वीनियंट ट्रैवल रहता है। एयर अस्ताना की डेली फ़्लाइट होती हैं और काफ़ी कम्फर्टेबल फ़्लाइट भी होती हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स वहाँ पर ईजी टू ट्रैवल है तो काफ़ी पसंद करते हैं। अब अगर हम देखते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन कजाकिस्तान, तो इसमें कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है कजाकिस्तान की। 5 ईयर की जो टोटल ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज रहता है और कुछ वीज़ा एंड मेडिकल इंश्योरेंस के चार्जेस भी हैं, उसको इंक्लूड कर लें तो 21 लाख इंडियन रुपीज़ की कॉस्ट होती है। इसमें 5 ईयर की ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल एकोमोडेशन और वीज़ा और मेडिकल इंश्योरेंस के खर्च शामिल हैं। इसमें खाने का खर्च शामिल नहीं है, तो स्टूडेंट्स अगर खाना खुद से बनाते हैं तो तकरीबन उनको 6-7 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग पड़ती है। अगर वो मैस में खाना खाते हैं तो ये खर्च उनका करीब 8 हज़ार रुपये महीने का हो जाता है कजाकिस्तान के अंदर। तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा यूनिवर्सिटी है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटी और कम बजट की यूनिवर्सिटीज़, 5 ईयर कोर्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फिर सेकंड यूनिवर्सिटी आती है, वो है अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हाई वर्ड रैंकिंग है इसकी, इस वजह से ये काफ़ी फेमस है और 5 साल में इसमें 20 लाख की कॉस्टिंग रहती है, ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज लेकर अगर हम देखते हैं तो 20 लाख रुपये का खर्च रहेगा तकरीबन। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि आप इसमें बता रहे हो 20 लाख का खर्च है, हमने कहीं देखा 18 लाख का या फिर कहीं और देखा तो वो और कम का बता रहे थे, बट ये जो हमने आपको कॉस्टिंग बताई है इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीजा एक्सटेंशन के चार्ज शामिल हैं। चूँकि डॉलर में फ़ीस पेएबल होती है तो इस वजह से x75 से किया गया है, बाकी कई जगह ऐसा भी आपने देखा होगा कि डॉलर का 70 से मल्टीप्लिकेशन करके वो कॉस्टिंग को थोड़ा सा कम करके दिखाने की कोशिश भी रहती है, बट आप लोग समझदार हैं तो उसको 75 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और बाकी अगर आपको डिटेल में स्ट्रक्चर चाहिए, फ़ीस का स्ट्रक्चर, तो फिर ये जो नीचे नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके डिटेल में फ़ीस स्ट्रक्चर ले सकते हैं। अब कजाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर हम तीसरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये खर्च जो है 17 लाख रुपए का रहता है, फूड की कॉस्टिंग अलग से होती है। सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी को कजाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड कर रही है, तो बड़ी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, कम खर्च में स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं, बट लोकेशन वाइज ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं रहेगा जैसा कि अल्माटी की जो दो यूनिवर्सिटी अल फराबी और कजाक नेशनल हैं, ये अल्माटी सिटी में है, तो अल्माटी तक का ट्रैवल काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, सिटी काफ़ी अच्छी है अल्माटी
अगर सेमी से कंपेयर करें तो, बट अगर कोई कॉस्टिंग बचाना चाहे तो वो सेमी को भी प्रिफर कर सकता है। तो ये तीन कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं रशिया की। तो रशिया में एक तो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट प्रभावित रहते हैं। डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यूनिवर्सिटी का कैंपस जिस हिसाब से होना चाहिए, बड़े बड़े कैंपस होते हैं, सारी मशीनरी होती है, प्रोफेसर्स अच्छे होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। और वैसे तो जो बाकी चीज़ों में है, चूँकि रशिया डेवलप्ड कंट्री है, तो वो पूरा का पूरा डेवलप्ड है रशिया में हर एक पार्ट। अब हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्सिटी चूँकि काफ़ी पुरानी है, 200-300 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज भी हैं रशिया के अंदर, तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। और आप अगर इस कोई एक टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी देखते हैं या एक एवरेज में भी कोई यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है। अगर आप सेम क्वालिटी को वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो, या फिर अदर डेवलप्ड नेशंस में अगर आप देखते हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, बट रशिया में एजुकेशन की कॉस्ट कम है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है, क्योंकि रशिया फ्रेंडली नेशन रहा है इंडिया के साथ में, और इस वजह से क्या है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये रहता है या स्टूडेंट्स के मन में भी ये रहता है कि हम एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जिसके इंडिया के साथ में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। तो रशिया की अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एक है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी ये 217 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1804 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इसमें जो है खर्च थोड़ा सा बाकी यूनिवर्सिटीज से ज़्यादा रहता है। 6 ईयर की अगर आप ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन देखें तो ये 25 लाख का खर्च रहेगा इंडियन करेंसी में। और इसके अलावा खाने का खर्च स्टूडेंट्स का अलग से होता है, तो अगर वो खाना खुद से बनाते हैं तो कॉस्टिंग खाने की तकरीबन 6,000 से 7,000 के बीच में रहेगी पर मंथ। तो सेल्फ कुकिंग है यहाँ पर, इंडियन मेस नहीं है। दूसरा है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी भी काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम है। 6 ईयर की ट्यूशन फीस और हॉस्टल एकोमोडेशन 17 लाख रुपए का रहता है यहाँ पर। और तीसरी यूनिवर्सिटी है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज इस यूनिवर्सिटी में मिलती हैं इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी हिंदी में है, और जो सुविधाएँ हैं जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत से होते हैं कहते हैं कि हम सेल्फ कुकिंग नहीं करना चाहते और अगर इंडियन मैथ मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इस तरह की सुविधाएं हैं वहाँ पर। ये यूनिवर्सिटी फोर्ब्स की रैंकिंग में भी आती रहती है, फोर्ब्स ने अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकालना चालू कर दिया है, तो इस हिसाब से काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। अल्ताई साइबेरिया रीजन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं तो 6 ईयर की ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल एकोमोडेशन का खर्च रहेगा इसमें आपका 24 लाख रुपये का। तो ये तो हो गई तीन यूनिवर्सिटीज़ रशिया की जो ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन में डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूँकि यूरोपियन पार्ट में आता है और पहले फॉर्मर USSR का पार्ट रहा है यूक्रेन, इस वजह से डेवलपमेंट है वहाँ पर। और हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, चूँकि पहले पूरा रशिया और कजाकिस्तान, यूक्रेन वगैरह सब USSR का ही पार्ट थे, तो उस समय से जो पैटर्न चला आ रहा है उसी को फॉलो करते हैं। और यूरोपियन कंट्री है, काफ़ी सुंदर देश है, इस वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं यहाँ पर। अब हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। तो एक है बुकोबिनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप यूक्रेन को एक ऑप्शन लेकर चल रहे हैं तो फिर आपके लिए बुकोबिनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर MCI की कोचिंग वगैरह ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी को इसलिए पसंद भी करते हैं क्योंकि FMGE का पासिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहा है बुकोबिनियन का। 6 ईयर की ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल एकोमोडेशन को अगर हम देखें तो ये 22 लाख रुपए का खर्च रहेगा तकरीबन 6 ईयर में। तो एक ये बुकोबिनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड सेकेंड यूनिवर्सिटी इज लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्चुअली काफ़ी पुरानी है, 250+ ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है। लगभग 1786 के आसपास इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और 6 ईयर की जो ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल एकोमोडेशन है ये 27 लाख रुपए का खर्च रहेगा। काफ़ी सावधानीपूर्वक स्टूडेंट्स इसमें खर्च को देख लें हर एक यूनिवर्सिटी में। एक्चुअली होता क्या है कि कभी डॉलर को 70 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और स्टूडेंट्स को तो अच्छा ही लगता है कि जो जितना कम बताए, तो एक एजेंट्स के बीच में एक होड़ सी चलती है कि आपसे कम हम बताते हैं। तो किसी एजेंट का डॉलर 70 का चल रहा होगा तो किसी एजेंट का 65 का आज भी चल रहा होगा।
तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो फ़ीस को देख लें कि फ़ीस किस में पेबल होती है यूनिवर्सिटी में, या तो डॉलर में होती है या फिर यूनिवर्सिटी में जो फ़ीस पे होगी वो रूबल में या वहाँ की लोकल करेंसी में होगी, तो वो एजेंसी से बात कर लें। अब अगर डॉलर में फ़ीस पे होगी तो डॉलर का एक्चुअल रेट देख लें, तो ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे बजट बिगड़ जाता है अगर आपको जानकारी ना हो। और ये आपने जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि लबीब में 22 लाख रुपए का एक्सपेंस बताया गया है, कोई कहते हैं कि लबीब में हमको 23 लाख का एक्सपेंस बताया गया है, बट आज की डेट में इसकी कॉस्टिंग 27 लाख रुपए की होती है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के लिए इन्हीं दो यूनिवर्सिटी में मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। तीसरी यूनिवर्सिटी विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, बट विनिसिया में हॉस्टल्स के इश्यूज आ रहे हैं, खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं स्टूडेंट्स की। तो ये दो यूनिवर्सिटी ऐसी है, बुकोबिनियन और लबीब, जिसमें स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स नहीं हैं और बहुत अच्छा फीडबैक है। तो अगर स्टूडेंट्स इन दोनों यूनिवर्सिटी में कोई एक यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वहाँ पर खुश रहेंगे और निगेटिव फीडबैक नहीं देंगे इस चीज़ का। अब हम आते हैं चाइना। चाइना के बारे में बात करते हैं, चूँकि चाइना एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ वर्ल्ड की टॉप 1% यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना। ये सारी चीज़ें तो हैं चाइना की USP हैं, और इन्हीं वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ऐसा होता था कि चाइना की यूनिवर्सिटीज़ मई के शुरुआत में ही अपनी सीट्स को फुल कर देती थी। बट इस समय जो करंट इंडो चाइना रिलेशनशिप्स हैं उसकी वजह से इंडिया से स्टूडेंट्स उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं भेज रहे हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड की टॉप 1% यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, बट जो फ़ीस है वो अफोर्डेबल रेंज में हो, तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी भी अप्लाई करते हैं वहाँ पर, बट आप अगर देख लीजिए करंट इंडो चाइना सिचुएशन जो चल रही है उसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी स्टूडेंट्स का इन फॉरेन अफेयर्स उतना ज़्यादा मैटर होता नहीं है, और रिलेशनशिप तो बदलते रहते हैं देशों के, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसमें अगर विचार कर रहे हैं तो मैं आपको इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है शामिन यूनिवर्सिटी। 6 ईयर का कोर्स हो चुका है चाइना के अंदर। एक्चुअली ऐसा था कि इंटर्नशिप को पहले ये बोला जाता था कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में कि 5 ईयर का प्रोग्राम आप जो है चाइना में करें, और 6 ईयर का जो होगा वो प्रोविजनल डिग्री लेके स्टूडेंट्स इंडिया आ जाते थे, FMGE का एग्ज़ाम पास करते थे और उसके बाद इंडिया में ही इंटर्नशिप करते थे, तो वो 5 ईयर का चाइना का प्रोग्राम हो जाता था, सो कॉल्ड 5 ईयर हो जाता था। बट अब क्या है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ऑल 6 ईयर्स की जो स्टडी होगी वो चाइना में ही होगी, तो 5 ईयर का आपका प्रोग्राम प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप इंडिया में ही होगी, और वो 1 ईयर की जो इंटर्नशिप है वो इंडिया में वैलिड रहेगी। बीच में उसमें एक ऐसा नियम आ गया था अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कि इंटर्नशिप वैलिड नहीं की जाएगी, बट अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि जो देश अलग से इंटर्नशिप करवाते हैं, जैसे चाइना में 5 ईयर के प्रोग्राम के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो इस तरह की इंटर्नशिप जहाँ भी होती है वो वैलिड रहेगी। अब इसमें फ़िलहाल चाइना में तो वैलिड है, बाकी कंट्रीज़ में इसके बारे में बाद में बात करेंगे। खर्च इसमें होता है शामिल यूनिवर्सिटी में 25 लाख का हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस को मिला के सालाना खर्च तकरीबन 4,10,000 का रहता है। 6 साल का कोर्स रहेगा तो 25 लाख का खर्चा होगा। सेकंड रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी चाइना के अंदर है वो शियान जियाओटोंग यूनिवर्सिटी है। 6 ईयर की जो ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल एकोमोडेशन है वो 30 लाख रुपए का खर्च रहेगा इसमें। तो ये शियान जियाओटोंग यूनिवर्सिटी, ये चाइना की C9 लीग में आती है। बहुत ज़्यादा फंड मिलता है, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी की 310 के अंदर है, 300 के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग शियामिन यूनिवर्सिटी की भी है। तो चाइना की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसी वजह से फेमस हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग इसमें होती है। तीसरी यूनिवर्सिटी है नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा यूनिवर्सिटी है नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसमें 6 ईयर की जो ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल एकोमोडेशन रहेगा वो 27 लाख रुपए के खर्च में रहेगा। तो नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी भी एक चॉइस है। अब हम बात करते हैं उन 7 यूनिवर्सिटीज़ की जिनको MBBS डायरेक्ट रिकमेंड करता है, उसका रीज़न क्या क्या है इसके बारे में भी हम बता देते हैं। अब 7 यूनिवर्सिटीज़ में जो 7th पोजीशन पर है वो है अल फराबी यूनिवर्सिटी। अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटीज़ का पूरा नाम है।
ये MBBS डायरेक्ट की रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में 7th पोजीशन पर है। उसका कारण है कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है, 5 ईयर का प्रोग्राम है और हाई वर्ल्ड रैंकिंग है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये कजाकिस्तान में एक अच्छा ऑप्शन बनता है। ये यूनिवर्सिटी अल्माटी सिटी में है, तो अल्माटी सिटी में होने की वजह से क्या है कि दिल्ली और मुंबई से जाने वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है, तो आना जाना काफ़ी आराम से हो जाता है। फ़्लाइट के टिकट भी सस्ते हैं, अगर कोई आने जाने की टिकट एक साथ बुक कराता है तो राउंड टिकट जो है वो तकरीबन 25 से लेकर 28,000 के बीच में वेरी करती है। तो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को प्रीफर कर सकते हैं, कम फीस में एक अच्छा ऑप्शन है। 6th पोजीशन पर है MBBS डायरेक्ट रिकमेंड जिस यूनिवर्सिटी को करती है वो है श्यामिन यूनिवर्सिटी। श्यामिन यूनिवर्सिटी चाइना का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, स्टूडेंट्स का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। तो श्यामिन यूनिवर्सिटी इसको 6th पोजीशन पर लेकर चलते हैं। अब 5th पोजीशन पर आती है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसकी USP क्या है कि एक तो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन अच्छी होती है, साइबेरिया रीजन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फोक्स की रैंकिंग में भी आती है। तो ये तो एजुकेशन के फैक्टर्स को देख लिया, क्योंकि MBBS डायरेक्ट उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में रिकमेंड करती है जहाँ पर एजुकेशन का स्तर अच्छा हो, तो वो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ हो गई। बट जो USP है वो है कंफर्टेबल फैसिलिटीज़ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, इंडियन मैस है तो उसमें खाना भी काफ़ी अच्छा मिलता है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये सारी सुविधाएं इसलिए मिल जाती हैं कि उनको खाना बनाना नहीं होता है। हॉस्टल में एक अच्छा मतलब अच्छी खाने की फैसिलिटीज़ हॉस्टल में ही मिलती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो ये हो गई 5th पे अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब 4th पोजीशन पर MBBS डायरेक्ट रिकमेंड करती है बुकोबिनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बुकोबिनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का FMGE का पासिंग परसेंटेज जो है वो यूक्रेन में सबसे बेहतर बुकोबिनियन यूनिवर्सिटी का ही है, और यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज में ये कम फीस में आने वाली यूनिवर्सिटी है। तो बुकोबिनियन इसमें स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए अगर वो यूक्रेन जाना चाहते हैं तो। अब 3rd पोजीशन पर आती है वो है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हैं इस साल, और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है रशिया के अंदर, और हाई वर्ल्ड रैंकिंग है इसकी। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, एडवांस लेवल की फैसिलिटीज़ हैं। तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी इसको 3rd पोजीशन पर रिकमेंड करते हैं। 2nd पर है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी एक्चुअली जो है वो उसका पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स का फीडबैक काफ़ी अच्छा है, और इसमें एजुकेशन की कॉस्ट काफ़ी कम है। तकरीबन 17 लाख रुपए का खर्चा रहेगा आपका इंडियन रुपीज़ में, जो फीस एंड हॉस्टल का एक्सपेंस आपका जाएगा, और इस रेंज में ये सबसे ज़्यादा अच्छा पासिंग परसेंटेज देने वाली और इंग्लिश मीडियम कंप्लीट फेडरल यूनिवर्सिटी है। तो इस वजह से 2nd नंबर पर आती है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से सीट इसकी फिल हो रही हैं। तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी ये 2nd पोजीशन पर, और 1 पर जो रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है वो है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। रीजन है इसका कजाकिस्तान की सबसे पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, USSR के टाइम से चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हर साल। 5 ईयर का प्रोग्राम है, लो कॉस्ट एजुकेशन है और हाई क्वालिटी एजुकेशन है, और मेडिकल एजुकेशन के लिए ये डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है कजाकिस्तान का। ये नेशनल लेवल की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें एजुकेशन की कॉस्ट कम है लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है स्टूडेंट्स को। 5 ईयर का प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। अब इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई अप्लाई